जिनके खुद के पिता बीमार हैं, फिर भी आज इतने बड़े पैमाने पे लोगों का इलाज कराए, इस मेडिकल कैंप को सफल बनाए। धन्यवाद देते हैं ऐसे महान पुरुष का जो अपने पिताजी को परवाह करते हैं, सांसद पूरे सिवान जनता को भी, शहर की जनता को भी वो बहुत परवाह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह ताला मदद जितना इंसान को पहुँचेगा उतना करेगा। समाज सेवी जीवन यादव लगातार समाज की सेवा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जीवन यादव के कार्यालय पर आज फिर फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। पिछले ही रविवार से इस मेडिकल कैंप की शुरुआत की गई है। इस कैंप में जिले के कई बड़े डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने इस मेडिकल कैंप में पहुंचकर मुफ्त में इलाज और दवाइयां ली। इस तरह के मेडिकल कैंप देखकर कैंप में पहुंचे डॉक्टरों ने भी समाज सेवी जीवन यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम लोगों ने इस तरह का मेडिकल कैंप जीवन में पहली बार देखा है, जहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन यादव के पिताजी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी जीवन यादव ने जनता की सेवा करने में लगे रहे। हालांकि जीवन यादव इस मेडिकल कैंप में उपस्थित नहीं रहे, बावजूद भी अपने सहयोगियों से हमेशा संपर्क में रहे, ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। ऐसे शख्स को न्यूज़ फॉर लाइफ की टीम भी सलाम करती है। दरअसल आपको बताते चले कि जीवन यादव के पिताजी गोरखपुर के रचित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जीवन यादव ने समाज की सेवा करने से पीछे नहीं हटे। अगर इस तरह की कार्य थोड़ा थोड़ा हर कोई अपने क्षेत्र में करे तो गरीब और असहाय लोगों की मदद मिल जाएगी। यादव एक ऐसे समाज सेवी हैं जिनके खुद के पिता बीमार हैं, रचित हॉस्पिटल गोरखपुर में भर्ती हैं, फिर भी आज इतने बड़े पैमाने पे लोगों का इलाज कराए, इस मेडिकल कैंप को सफल बनाए, इसके लिए तो हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। ये दूसरी रविवार्षिक को समाज सेवी जीवन यादव जी की तरफ से जो कैंप का आयोजन हुआ है, इसमें खुद की उनके पिताजी का तबीयत खराब है। वो अभी गोरखपुर में अपने पिताजी को एडमिट कराए हुए हैं ICU में, और वहाँ से हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं, वहाँ से लोगों को देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और लोगों के सुचारू रूप से बढ़िया से इलाज हो। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे महान पुरुष का जो अपने पिताजी को परवाह करते हैं, सांसद पूरे सिवान जनता को भी, शहर की जनता को भी वो बहुत परवाह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे नेताजी कर रहे हैं वैसे और भी समाज सेवी लोग आ गए हैं, बहुत अच्छा, मतलब पब्लिक का तो बहुत कल्याण हो गया इससे। बहुत फायदा है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत लोग समाज का सेवा कर रहे हैं। जी भी आदमी को कोई भी चीज़ का कमी हो रहा है, कोई चीज़ ऐसा हो जा रहा है, वहाँ वहाँ पहुँच कर हर चीज़ का, मंदिर मस्जिद कोई नहीं बंटवारा है, सब चीज़ का मदद कर रहे हैं। जो जीवन भी आज कर रहे हैं माताओं बहनों के लिए, पब्लिक के लिए, वो कोई नहीं किया है, कोई नेता नहीं किया है ऐसा।